राजा जाटवा साहस का दूसरा नाम। इते दुधी ओ तवा उते भय है बैन, जाटवा के राज में सोवे सब सुख चैन। ज्ञात इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जब एक व्यक्ति ने अकेले के ही दम पर घर से निकलकर अपनी इच्छा शक्ति बाहुबल बुद्धि चातुर्य और अदम्य साहस के बल पर इस सशक्त साम्राज्य का निर्माण किया है। जिन इतिहासकारों ने बप्पा रावल वीर शिवाजी राणा प्रताप का इतिहास लिखा उनकी दृष्टि से सतपुड़ा के अंचल में उदित हुए गोंड साम्राज्य के महान वीर योद्धा की कथा कैसे ओझल हो गई कि झोपड़ी में जन्मा एक साधनहीन धनहीन सेवा विहीन गोंड युवक ने गोंड साम्राज्य की स्थापना की। वह गोंड गौरव को पुनर्स्थापित करने के प्रति अग्रसर था। उसके पास न सैनिक थे, न हाथियों का बल था और न ही पदाती सेना थी। था तो अदम्य साहस और बाहुबल, इसे ही तो कहेंगे बाहुबली। एक अकेले युवक की फर्श से अर्श तक पहुंचने की यह कहानी गोंड समाज के लिए गौरवदायिनी और प्रेरणा प्रदायिनी है कि कैसे एक गोंड युवक अकेले ही एक साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। मध्यकालीन भारत के मध्य में निर्मित देवगढ़ का किला महान गोंड साम्राज्य का जीवंत स्मारक है। यह वह राज्य है जो एक और नर्मदा के निकट से लेकर नागपुर के आगे चंद्रपुर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, पर जाटवा अकेला चला था, फिर लोग आ जोड़े। कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया।